हेलो गाइस, वेलकम। तो हम आए हैं गुरुमा इंटरप्राइजेज़ में, और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे माइक्रोवेव लेने के लिए। लेट्स सी कि हमें कौन सा पसंद आता है और कितने का पड़ता है। अभी तक तो हमें ये वर्लपूल का ही पसंद आ रहा है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भावना। आज है संडे और अभी बज रहा है 7। पापा लोग गए हैं योगा, आज आई नहीं अभी तक। और मैं आ चुकी हूँ नीचे किचन में। मैंने रखे हैं राजमा, राजमा बॉईल होने के लिए। वैसे आज ऐसा कुछ नहीं है कि अभी बनाने हैं, पर आज थोड़े काम है तो फिर इसलिए मैंने कहा इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी अप्पम। अप्पम मतलब छोटी इडली टाइप। तो अभी वो भी बनाऊँगी तो उसका बैटर रेडी करके मतलब रख देती हूँ, क्योंकि उसे थोड़ी देर छोड़ना होता है ना, सूजी को थोड़ा वो हो जाए करके, फ्लफी सी हो जाए। तो इसलिए मैं पहले नीचे आ गई, फिर वो सब बैटर वो करके फिर जाऊँगी नहाने। तो बस बने रहिएगा व्लॉग में। राजमा मैंने रख दिया है, और साथ के साथ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन जिसमें मैं बैटर तैयार करूँगी अप्पम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे उसमें सूजी। मैंने ये बारीक सूजी ली है, आप चाहे तो मोटी भी ले सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो आप वैसी लीजिए। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। आप चाहे तो सिर्फ सूजी से ही भी बना सकते हैं, बट मिक्स करके बनाइएगा, थोड़ा टेस्ट में फ़र्क होता है, अच्छा लगता है ज़्यादा। और मैंने इसे छान लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा कि कहीं कीड़े तो नहीं पड़ गए, हल्का सा ख़राब सा, बट ये सही था। तो ये देखिए थोड़ा सा रेसिड्यू बच गया है, उसको मैंने फेंक दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक थिक बैटर बनाएंगे, और बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अभी दिख रहा है ऐसा भी नहीं बनाना है। थोड़ा वाटरी टाइप का बन रखना है, मतलब वाटरी इन द सेंस कि सेमी लिक्विड वाला ऐसा कुछ। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही डाला। और अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सिया के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर पहले निकाल दिया था, उसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाला थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो मिर्च मसाले भी ऐड कर सकते हैं, मैंने प्लेन रखा था। उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा दही। दही इसमें थोड़ी और सॉफ्टनेस लाएगा और सोडे का काम भी करेगा, आप चाहे तो सोडा भी डाल सकते हैं। और अब उसके बाद साथ के साथ जब तक वो तैयार होता है, मैंने रख दी है चाय। इसमें पत्ती चीनी डाल के ये रहा सौंठ। और इसके बाद जब तक ये चाय बनती है मैं नहा धो के आ जाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ, मैंने जला ली है गैस। अब इसमें रखेंगे अप्पम पैन। ये अप्पम पैन मैंने ऑनलाइन मंगाया था, 200-250 का मिल जाता है। इसको अच्छे से धो के पोंछ के इसको मैंने अब हल्की आंच पे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ये गर्म होता है इसमें हम डालेंगे तेल। आप चाहे तो उसमें बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, मैंने इसे रिफाइंड में बनाया है। उसके बाद सारे सांचों को हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे, और थोड़ा सा ये सरसों दाने डाल के मतलब सरसों के दाने का तड़का देंगे। जब वो चटक जाए तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारा हमने जो बैटर रेडी किया था वो डालेंगे। और बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, सिर्फ जितना वो कटोरी का साइज़ है उसका उतना ही भरना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा फूलता भी है। सबको रखने के बाद इसमें मतलब डालने के बाद इसे ढक के आप पका दीजिए, और बीच बीच में चेक करते रहिए, मतलब पैन को थोड़ा इधर उधर खिसकाते रहिए, क्योंकि हीट प्रॉपरली जानी चाहिए। ये चेक करने वाला जो होता है एक इसी के साथ आता है, तो आप देख सकते हैं इसमें प्रिक करके कि अभी पके हैं या नहीं। ये देखिए एक साइड थोड़े लाइट हो गए, तो मतलब ये वाले पक गए। तो अब चाकू की मदद से मैंने सबको पलटा लिया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इनको पलटा के भी ढक के दोबारा पकाएंगे दूसरी साइड से। जब तक वो पक रहे हैं तब तक हम रेडी करते हैं चटनी। उसके लिए मैंने लिया है हरी मिर्च, मूंगफली भुनी हुई, और ये कच्चा नारियल। इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और हरा धनिया। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन जो आपको जैसी पसंद हो आप वैसा डाल सकते हैं। बस इसके बाद इसको मिक्सी में घुमा के हमने चटनी रेडी कर ली है, और ये लिटरली बहुत टेस्टी होती है। आप नींबू भी डाल सकते हैं वैसे थोड़ी खटास के लिए, हमें ऐसी अच्छी लगती है। तो ये देखिए अपम बन के रेडी हैं, कितने मतलब मस्त लग रहे हैं ना, बिल्कुल क्रिस्पी से, बट ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। और सबको खाली करने के बाद सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया था, मतलब वैसे ही ग्रीसिंग करेंगे, फिर तड़का लगाएंगे, फिर बैटर डालेंगे।
पलटा के उन्हें अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आप डेफिनेटली इसे मतलब फटाफट सुबह बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। बैटर आप एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। आग आ रहा है, ओफो सदमा लग गया। ओफो ओफो कितना कंट्रोल कर लेती है ये। ओफो अच्छी आ रही है, आ रही है, आ रही है। See you. आज कुक्का का हैप्पी बर्थडे है, पता है आपको? आपने विश किया? केक आएगा, केक। हैप्पी बर्थडे कुक्का। सबको हाय तो कर दो, खाने में जाने। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो जो जो बोल दो। गुड मॉर्निंग जो जो। सिया का पाइप है या सिया का कूलर है? पाइप। तो अभी हम आए हैं छत में और ओलिव कुकी को नहलाना था, इसलिए मौसम भी आज बढ़िया हो रहा है। नहीं ठंडा ठंडा पानी है। नहीं 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 इसमें ये कितना सारा पानी है। और ये देखिए इधर इन लोगों की लड़ाई हो चुकी है, मैंने दोनों को नहला दिया है। आज मौसम उतना सही नहीं था बट फिर भी नहला दिया, क्योंकि पता नहीं मौसम तो कब सही होगा तो ये ऐसे रह जाएंगे फिर ना, इसलिए मैंने नहला दिया। और नहलाने के बाद इन दोनों की लड़ाई हमेशा होती है। कुकी का हैप्पी बर्थडे है, ओलिव का भी है। ओलिव का नहीं, ओलिव का बाद में आएगा। बम 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 बम। पाइप मुड़ गया बेटा कहीं। दादू गए बेटा नीचे, चलो चल रहे हम भी। ऊपर का काम खत्म, अब नीचे चलेंगे। चलो लेट्स गो। फिनिश हो गया पानी, कल आएगा पानी। ओ सब गीला गीला कर दिया। ओके थ्री, ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो चेंज मैंने कर लिया है और खाना बन गया है दिन का, रायता राजमा। चावल बनने रह गए हैं, वो थोड़ी देर में बनाएंगे, मतलब जब खाना होगा उससे थोड़ी देर पहले। और जो माइक्रोवेव पहले आया था वो हम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो किचन का कैबिनेट है उसमें वो ना छोटा लग रहा है। मतलब उसमें पहले जो था वो 22 लीटर का था, अब जो हम लाए 20 लेके आए हैं, बट हमें लग रहा है कि 24 वाला भी आ जाएगा। जो अभी ऑप्शन थे वो 20 और 24 के थे, तो अब हम लेने जा रहे हैं 24 वाला और इस वाले को रिटर्न करके आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट खाना वाना बना लिया और अब हम चलते हैं वापस। और मैंने बाल भी कटवा लिए देखो, क्योंकि मेरे ना आगे से थिनिंग है हेयर्स में और इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, मतलब पसीना हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, इसलिए मैंने इनकी लेंथ थोड़ी छोटी करवा ली। थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक छोटी करवा ली है, तो अभी थोड़ा मतलब वो रहेगा, कॉम्पैक्ट सा रहेगा, फटाफट टाई करने के लिए ना चलता है। ये आ गया हमारा नया माइक्रोवेव, वो वाला हमने एक्सचेंज करा लिया और ये सही सही मतलब 24 लीटर का है, तो ये साइज़ सही हो रहा है यहाँ पे। अब इसको ऑपरेट करना हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये क्या हो रहा है, किसके सैंडल है ये? सिया के सैंडल है। वाओ आओ आओ अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 आई गेस, 3:30 हो रहा है। और मैंने करे हैं काफ़ी सारे शर्ट को आयरन में, दिखाती हूँ आपको कितने सारे शर्ट करी हैं। ये मैंने रख दी, अभी मैंने करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
17। मैं फिर पिटाई करूं? खाएगा। क्या खाएगा? मोमोज खाएगा सिया। लोग आए हैं, मतलब हम तीनों आए हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।